सब्सक्राइब कीजिए महेश सोलंकी चैनल को और याद रहे बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि अकाउंट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कैश बुक, ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैश बुक का क्या लिखा है। तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करते जाऊँगा कि कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं फ्रेंड। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक इन द बुक्स ऑफ महाराजा, मतलब महाराजा की बुक में हम लोग को डबल कॉलम कैश बुक बनाना है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन देखेंगे 2012 जैन फर्स्ट, कैश इन हैंड 10,000 एंड बैंक बैलेंस कितना है मेरे पास 20,000। तो ये हमारा फॉर्मेट है कैश बुक का। तो ये कैश बुक का हमारा फॉर्मेट है फ्रेंड। तो किस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, तो फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर्स रिसीट नंबर LF कैश एंड बैंक कॉलम, ठीक है। बिकॉज डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो पहला कौन सा कॉलम होगा कैश और सेकंड कौन सा कॉलम होगा बैंक। फिर वापिस से क्रेडिट साइड डेट पर्टिकुलर्स वी नंबर LF कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम, ठीक है। अभी उन्होंने क्या बोला है कि मेरे पास 1 जनवरी को बैलेंस है कैश इन हैंड। तो कैश कौन सा बैलेंस होता है फ्रेंड, डेबिट बैलेंस, और बैंक डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 एंड 20,000। सर कैश बुक में और किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, तो अगर मेरे पास पैसा आया कैश कम्स इन डेबिट एंड कैश गोज आउट क्या करेंगे क्रेडिट। अगर ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है तो कैश कॉलम में लिखूंगा, अगर ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड है तो बैंक कॉलम में लिखूंगा, ठीक है। अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं डेबिट करूंगा और पैसा गया तो मैं क्या करूंगा क्रेडिट करूंगा, ठीक है। तो ये हम लोग ने सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन लिखा बैलेंसेस का। नेक्स्ट क्या बोला है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अमित रुपीज 1,000। मुझे अमित से कितना कैश मिला है 1,000, कौन से तरफ आना चाहिए फ्रेंड डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे लिखा है देखो टू अमित अकाउंट, कौन से कॉलम में आएगा कैश कॉलम में, तो कैश कॉलम में आया 1,000, बैंक में नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे टू अमित अकाउंट, नरेशन लिखना जरूरी है, तो नरेशन लिखेंगे बिंग कैश रिसीव्ड, नरेशन जितना छोटा उतना ही अच्छा, ठीक है, हो सके उतना छोटा ही लिखना नरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पेड सैलरी टू आकाश रुपीज 2,000 बाय चेक, मतलब मैंने किसको सैलरी पे किया, आकाश को सैलरी पे किया, मुझे बताओ चेक से पे किया या कैश से पे किया है, चेक से पे किया है। पैसा आएगा या जाएगा, जाएगा, मतलब पेमेंट साइड पे लिखूंगा, तो पेमेंट साइड पे क्रेडिट साइड पे क्या लिखा बाय सैलरी अकाउंट, कौन से कॉलम में लिखना है कैश या बैंक, बैंक में, क्यों, बिकॉज हम लोग ने क्या पे किया उसको चेक से पेमेंट किया है, तो बैंक कॉलम में आएगा 2,000। नेक्स्ट रिसीव्ड बैरर चेक फ्रॉम गोपाल रुपीज 5,000, गोपाल से मुझे चेक मिला, बैरर चेक मिला, याद रहे फ्रेंड्स अगर बैरर चेक मिलेगा तो वी विल एज्यूम बैरर चेक इज अ कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश बैरर चेक जब भी आएगा सबसे पहले हम लोग उसको कैश में रिकॉर्ड करेंगे, फिर अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा कि बैरर चेक हम लोग ने नेक्स्ट डे या उसके बाद हम लोग ने बैंक में डिपॉजिट किया, तो उसके बाद कैश से निकाल के फिर बैंक में डालेंगे। तो जब भी बैरर चेक आएगा तो फर्स्ट वी विल रिकॉर्ड इन कैश कॉलम, ठीक है। तो मुझे बैरर चेक मिला है, किससे मिला है गोपाल से, तो डेबिट साइड पे आएगा और लिखेंगे टू गोपाल, क्या लिखेंगे टू गोपाल अकाउंट, कितना 5,000। सर क्यों कैश कॉलम में लिखा, बिकॉज बैरर चेक है। सर अगर क्रॉस चेक होता तो क्रॉस चेक होता तो हम लोग डायरेक्टली कहां लिख देते उसको बैंक में, ठीक है। तो गोपाल अकाउंट, नरेशन क्या लिखोगे बिंग बैरर चेक रिसीव्ड। नेक्स्ट अबाउ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब अबाउ चेक मतलब कौन सा, ये जो बैरर चेक जो मुझे मिला था वो मैंने कहां डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मुझे बताओ जब चेक मिला था तब मैंने कौन से कॉलम में लिखा था कैश कॉलम में, अब यही चेक मैं कहां डिपॉजिट करने वाला हूं बैंक में डिपॉजिट करने वाला हूं। तो अब जब ये चेक मिला था तब मैंने डेबिट साइड पे लिखा था, अभी ये चेक मैं कहां डिपॉजिट करने वाला हूं बैंक में, तो कौन से तरफ लिखना पड़ेगा, पहले तो कैश से जाएगा और कहां आएगा बैंक में, तो कैश के क्रेडिट साइड पे लिख दिया और बैंक के कौन से तरफ लिखा
डेबिट साइड पे, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। सबसे पहले चेक कहां से निकालेंगे हम लोग? कैश कॉलम से निकालेंगे। और कहां डालेंगे उसको? बैंक में। तो कैश से गया और बैंक में आया, इसको हम लोग कौन सा एंट्री बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश कॉलम में होगा तो अपोजिट वाले का नाम आएगा। अपोजिट का नाम क्या है? बैंक। और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि अच्छे से दिखे। और जब बैंक कॉलम में लिखेंगे तब हम लोग क्या लिखेंगे? सामने वाले अकाउंट का नाम कैश। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, मतलब अभी हम लोग ने क्या डिपोजिट किया? कैश। कितना कैश डिपोजिट किया? 6000। तो कहां से पैसा जाएगा? सर कैश कॉलम से पैसा जाएगा, तो कैश कॉलम से पैसा गया तो 6000 कैश इज गोइंग आउट। और कहां पैसा आएगा सर? तो बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक कॉलम में कितना लिखेंगे? 6000। याद रहे, जब भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा तो हम लोग देखेंगे कहां से पैसा जा रहा है और कहां पैसा आ रहा है। जहां से पैसे जाएगा वो हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। और जहां पैसा आएगा उसको हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट। मुझे बताओ, कैश डिपोजिटेड मतलब कैश कॉलम से पैसा गया तो मैंने क्रेडिट कर दिया, और कहां पैसा आया सर? बैंक में पैसा आ गया, तो बैंक को हम लोग ने क्या कर दिया? डेबिट। अभी सर नाम कैसे लिखने का है? तो कैश कॉलम में अपोजिट वाले का नाम, अपोजिट वाले का नाम क्या होगा? बैंक अकाउंट। और यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट। और जब बैंक कॉलम में आएंगे तो बैंक में किसका नाम लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। नरेशन सेम ही रहेगा, बिंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक, बिंग कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक। डेट क्या होगा? डेट क्या होगा? 10th। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रीना ₹25,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, अमाउंट पेड बाय चेक। मतलब हम लोग ने गुड्स परचेज किए रीना से और अमाउंट किस में पे किया? बाय चेक। मुझे बताओ, जब मैं गुड्स परचेज करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा सर, बट किससे पे किया मैंने ये वाला ट्रांजेक्शन? तो ये वाला ट्रांजेक्शन वाया बैंक से पेमेंट हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। कितना? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 22,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश सेल्स ₹8,000, पैसा आएगा या जाएगा? तो पैसा आया फ्रेंड, तो किधर लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। कितना? 8000। नेक्स्ट नरेशन क्या लिखोगे? बिंग कैश सेल्स। डायरेक्टली डिपोजिटेड इनटू बैंक, समीर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो पैसा आया, तो क्या लिखेंगे? टू समीर अकाउंट डायरेक्टली बैंक में। कितना? 10,000। और नरेशन क्या होगा? डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, या फिर आप लिख सकते हो समीर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहां मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैंने बिंग करके नहीं लिखा है, बट आपको नरेशन में हमेशा लिखना है बिंग डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट, बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस ₹3,000, मतलब बैंक ने डेबिट किया बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किया मतलब हमारे कौन से तरफ आएगा सर? पेमेंट साइड पे। तो 3000, तो क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। नरेशन क्या होगा? बिंग बैंक चार्जेस डेबिटेड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? चेक रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल डिसऑनर, मतलब सर ये जो चेक मिला था मुझे गोपाल से वो वाला चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया है। तो जब मुझे चेक मिला था तब मैंने क्या किया था सर? तो चेक मिला तब मैंने गोपाल से जो चेक मिला था वो मैंने क्या किया था? डेबिट। अब जब भी रिसीव चेक डिसऑनर होगा तो उसका अपोजिट इफेक्ट देंगे, तो अपोजिट इफेक्ट क्या लिखा है हम लोग ने? बाय गोपाल अकाउंट। कितना? 5000। जब मिला था तब मैंने कौन से तरफ लिखा सर? डेबिट तरफ। अभी वही चेक अगर डिसऑनर हुआ तो अपोजिट इफेक्ट आएगा। अगर सर अगर ऐसा कोई चेक मैंने इश्यू किया है तो इश्यू किया तो क्रेडिट साइड पे, जब डिसऑनर होगा तब कौन से तरफ लिखना होगा उसको? डेबिट साइड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो गोपाल से जो चेक डिसऑनर हुआ अगर वो वाला चेक डिसऑनर हो चुका है तो हम लोग उसको कौन से तरफ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे? गोपाल अकाउंट। कितना? 5000, बिकॉज चेक का अमाउंट कितना था सर? 5000 का। ओके, नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ₹10,000, हाफ अमाउंट पेड बाय कैश एंड हाफ अमाउंट बाय बैंक। मतलब मैंने फर्नीचर परचेस किया, मेरे पास पैसा आएगा या जाएगा?
तो मेरे पास से पैसा जाएगा। तो मैंने ट्रांजेक्शन क्या लिखा है, बाय फर्नीचर अकाउंट, कितना 5000 5000। सर क्यों 5000 5000? बिकॉज हाफ अमाउंट बाय चेक पे किया है और हाफ अमाउंट बाय कैश। तो कैश कॉलम में लिखूंगा 5000 एंड बैंक कॉलम में लिखूंगा 5000। नेक्स्ट, कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, मतलब मैंने बैंक से क्या किया, कैश विड्रॉ कर दिया। फॉर ऑफिस यूज 1000 एंड फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज मतलब पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज 500। तो पहले ऑफिस यूज के लिए देखते हैं। अगर जब भी ऑफिस यूज के लिए मैंने कैश विड्रॉवल किया है तो बैंक से विड्रॉ करके मैं कैश में क्या कर दूंगा, डिपॉजिट कर दूंगा, मतलब कैश अकाउंट में अपने गल्ले में मैं वो कैश वापिस लाकर रख दूंगा। तो बताओ मेरे बैंक से विड्रॉ हुआ तो बैंक के कौन से तरफ जाएगा, क्रेडिट साइड पे, और वही सेम कैश कहाँ आएगा, मेरे कैश बॉक्स में आ जाएगा। तो बैंक से गया और कैश में आया, तो ये कौन सा एंट्री हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉन्ट्रा एंट्री। जब बैंक कॉलम में रहोगे तब किसका नाम लिखोगे, कैश का, और जब कैश कॉलम में देखोगे तब किसका नाम लिखना है हम लोग को, बैंक का। ठीक है, तो बैंक अकाउंट कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोला था, सेम ट्रांजेक्शन, डोमेस्टिक यूज के लिए मैंने कितना विड्रॉ किया है, तो डोमेस्टिक यूज के लिए मैंने विड्रॉ किया है 500। तो क्या लिखेंगे, बाय ड्रॉइंग, बिकॉज पर्सनल यूज है, कितना 500। ठीक है, तो यहां हमारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग करेंगे फ्रेंड्स। तो क्लोजिंग किस तरीके से करेंगे, तो टोटल ऑफ डेबिट साइड एज वेल एज टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। जब मैं कैश कॉलम का टोटल कर रहा हूं तब सिर्फ कैश कॉलम देखूंगा। ठीक है, तो कैश का डेबिट साइड का टोटल कीजिए फ्रेंड्स। तो डेबिट साइड का टोटल करें कैसे करोगे, तो 10000 1000 5000 8000 एंड 1000, तो टोटल आएगा 25000। ठीक है, और क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 5000 प्लस 6000 11000 11000 प्लस 5000, तो आएगा आपको 16000। अभी विच साइड इज मोर, तो डेबिट साइड इज मोर, तो डेबिट साइड जो 25000 था वो मैंने दोनों तरफ लिख दिया, आउट ऑफ 25000 16000 हम लोग ने एक्सपेंस कर दिया, तो मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 9000। तो ये जो 9000 बैलेंस बचा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, नेक्स्ट अभी किसका क्लोजिंग करेंगे, तो बैंक का क्लोजिंग करेंगे। तो बैंक का डेबिट साइड का टोटल करो, 20000 20000 प्लस 5000 प्लस 16000 प्लस 10000, तो ये सबको टोटल करोगे तो यू विल गेट 41000 41000। नेक्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल करो, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 2000 प्लस 22500 24500 प्लस 3000, तो मिलेगा 27500 27500 प्लस 10000, तो 37500 प्लस 500, तो 38 और 39। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है फ्रेंड्स, 39, और डेबिट का टोटल कितना था, 41। तो विच साइड इज मोर, डेबिट साइड इज मोर, तो डेबिट साइड का दोनों अमाउंट लिखेंगे और 41 में से 39 माइनस करेंगे तो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा 2000। तो ये जो मेरा बैलेंस बचा वो 31 जनवरी को बैलेंस बचा। अभी ये बैलेंस सीडी को हम लोग क्या पिलाते हैं, तो सर सीडी को बीडी पिलाने को, ऑन विच साइड, तो ऑन अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सीडी को क्या पिलाने का, बीडी, ऑन अपोजिट साइड 9000 2000। डेट क्या आएगा सर, जनवरी था, तो ये क्या हो जाएगा, फेब। डेट क्या होगा, फर्स्ट। ईयर क्या होगा सर, 2012। तो इस तरीके से हमारा कैशबुक का सॉल्यूशन तैयार हुआ। अगर ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक भेज दी है, पीडीएफ फाइल है, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।